should I sit? You should actually sit next to madam there. Okay. Yeah, Sunil, just let at least him sit. Let him sit here. Center mein jaiye. Ma'am, you should come this side. Let I should sit there and then we will switch. That's how we do. नमस्कार दोस्तों, जो साथी दाएं हाथ में खड़े हैं आप कृपया बैठ जाएं क्योंकि हमारी पत्रकार गोष्ठी चल नहीं पाएगी ऐसे। आप भी अगर दोस्त इधर आ जाएंगे तो हमारे साथियों को फिर दिखता नहीं पीछे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी का, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने देश और दुनिया में दिल्ली को कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर बदल कर दिखाया और अब कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती शीला दीक्षित जी का, और एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम करम रास्ता गरीब के साथ जुड़ा है। पूरे देश में जब जब गरीब की आवाज, शोषित की आवाज, वंचित की आवाज, दलित की आवाज बुलंद करने की बात आई तो जिस व्यक्ति ने समाज के भिन्न भिन्न भूमिकाओं में सदैव इस देश के गरीब की आवाज को व्यक्तिगत कुर्बानी से बड़ा माना, एक ऐसे व्यक्ति जो शायद सबसे बेहतरीन सांसदों में से एक तो हैं ही पर उससे भी ज्यादा गरीब, दलित, शोषित और वंचित, उसके लिए जीवन की कोई भी कुर्बानी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिन्होंने हमेशा व्यक्तिगत लाभ से या पद से बड़ा, प्रतिष्ठा से बड़ा, सम्मान, स्वाभिमान और वंचित और शोषित की आवाज को बुलंद करने के रास्ते को माना। मेरा इशारा श्री उदित राज जी की तरफ है जो आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से मिले और जिन्होंने अब देश के दलित, शोषित, वंचित, गरीब, हर वो व्यक्ति जिसका अधिकार छीनने का सरकार और सत्ता प्रयास करती हैं, राहुल जी के हाथ से हाथ मिलाकर, कांग्रेस का हाथ पकड़कर उस आवाज को पूरे देश में बुलंद करने का निर्णय किया है। मैं उन श्री उदित राज जी का भी स्वागत करता हूं। बगैर किसी विलंब के, इससे पहले कि मैं हमारे सम्मानित महासचिव और शीला जी को प्रार्थना करूं कि औपचारिक तौर से आपके समक्ष उनको शामिल करें, दोस्तों एक बात सच है कि आज दलित के अधिकारों का सत्ताधारी दौलत वालों ने दमन कर दिया है। यह भी सच है कि कहीं ना कहीं मोदी जी और भाजपा के शासन में अब दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित होना शब्द तो हैं भाषण के परंतु एक तरह से अभिशाप हो गया है। दलितों पर हो रही प्रताड़ना से पीड़ित और व्यथित होकर
जिन सांसदों ने मोदी जी को पत्र लिखकर दलित अधिकारों के दमन के प्रति चेताया था, मोदी जी ने उन सब से बदला लिया। वो चाहे सावित्री बाई फूले थी, चाहे वो छोटे लाल जी थे, चाहे वो अशोक कुमार दोहरे थे, और गरीब की सबसे ज्यादा और दलित की आवाज बुलंद करने वाले उदित राज जी हैं। एक एक करके, एक एक करके, कृपया करके आप ये पत्रकार गोष्ठी चलने दीजिए, उन सब का दमन करने का एक षड्यंत्र किया गया, गुजरात के ऊना से लेकर और रोहित वेमुला तक, डेल्टा मेघवाल से लेकर और उत्तर प्रदेश के हर कोने तक गरीब के अधिकारों पर हमला हो रहा है। इसलिए हमें गर्व और फक्र है कि आज राहुल जी और उदित राज जी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कांग्रेस और इस पूरी मूवमेंट को मजबूत करने का निर्णय किया है। मैं बगैर किसी विलंब के पहले अनुरोध करूंगा श्री केसी वेणुगोपाल जी और शीला दीक्षित जी से कि वो उदित राज जी बीच में आ जाएं, उनका हम औपचारिक स्वागत करेंगे और फिर सब अपनी अपनी बात में कहेंगे। आप दोनों के बीच में यहाँ आ जाए। Can sit right here and then just give me 2 minutes. मैं अब पहले अनुरोध करूंगा केसी वेणुगोपाल जी से, फिर आदरणीय शीला जी से और फिर उदित राज जी से कि वो अपनी बात कहेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून उदित राज जी। एक्चुअली इट्स अ डायनामिक एंड सिंसियर फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। वी आर इन पार्लियामेंट टुगेदर। Whenever the issue of especially Dalit came up, he fought with passion. There was such a leader who is very much fascinated to the Dalit friendly activities. Even though he was in BJP, in some of the issues he fight against his own government. You know, last 5 years Modi government become an anti-Dalit government. Already Sujewala ji is raised that issue several times. Anti-Dalit and Dalit atrocities issue came before the parliament. When we opposition take up that issue, I know morally Udit Raj ji also be with us that time. But now he came out from the party which is totally going against Dalits at the apt time. Definitely Udit Raj ji is the one of the best sincere face of the Congress party today onwards. Today he met honorable Congress president, and Congress president directed me to take him into the party, and officially he is now in the Congress party. Of course we are very much hopeful the presence of Udit Raj ji, with active participation of Udit Raj ji, Congress can do more things, because of now the entire country is Moody's against BJP. Wherever polling is going on, now people are talking about the Congress only. Yesterday only the polling of some states already has been completed. Therefore the momentum created by Rahul Gandhi is taking up in a very large scale. Therefore we are quite confident now in different issues, Dalit atrocities especially, last 5 years we are witnessing this government is going day by day against Dalit community. Lot of issues are here, I am not going to elaborate all the issues, but
आई थिंक मोर दलित लीडर्स विल कम आउट फ्रॉम बीजेपी आफ्टर दिस सर्टनली सिंसियरली वंस अगेन आई एम वेलकमिंग we people are welcoming on behalf of the all india congress committee Udit Daji to the congress party I think it will be a best leader in now in a very good party thank you may I now request Sheila ji you can actually have this mic ma'am Udit Raj ji aur sabhi कांग्रेस के अध्यक्ष जो मेरे पास यहाँ मंच पर बैठे हैं और आप सब जो यहाँ पर आए हैं मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और दिल की गहराइयों से इसलिए करती हूँ कि आज उदित राज जी कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं उदित राज जी और मैं एक दूसरे को शायद 20 साल से जानते हैं और इनकी क्या शैली है क्या इनकी सोच है किस तरह से ये देश को प्रेम और प्यार करते हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं मुझे तो तब आश्चर्य हुआ था थोड़ा बहुत दुख भी हुआ था कि बीजेपी ने इन्हें ले लिया था आज ये बीजेपी से मुक्त हुए तो हम इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के लिए ये बहुत अच्छा प्रूव करेंगे और हम इनकी वजह से बहुत सारी सीटें जो शायद हम ना जीते अब जीतेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया शीला जी और अब मैं आग्रह करूंगा उदित राज जी से कि वो स्वयं आपसे बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल President of the Congress, in whose presence I joined Congress today at his residence. Of course, AICC Secretary General Sri Venu Gopal was also there, and the spokesperson and country knows Surji Balaji, Honorable. Sheila ji, she has a natural affection for me that I know. मैं आज कांग्रेस में शामिल हुआ और कांग्रेस में मैं 13-14 से ही आना चाहता था राहुल जी इस बात को जानते हैं परिस्थितियां ऐसी रहीं मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कोई चीज मैं झूठ बोलूं अगर बीजेपी टिकट वहां से देती तो मैं वहां से लड़ता लेकिन इसके वजह से एक बहुत बड़ी चीज निकल करके देश में आई कि बीजेपी कितना दलित विरोधी है इंडिया टुडे ग्रुप ने सेकेंड बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परफॉर्मेंस में रेट किया फ्रेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे ने बेजोड़ सांसद और श्रेष्ठ सांसद का खिताब दिया बीजेपी में एक प्रचार है कि यहाँ सबको न्याय मिलता है कार्यकर्ताओं को उस हथियार से बड़ा धौंस जमाते हैं कि इंटरनल सर्वे जो कहेगा होगा ये इंटरनल सर्वे इन्होंने 4-5 एजेंसियां हायर करी हैं उसमें भी दिल्ली में मोस्ट पॉपुलर और विनिंग सीट वही निकल के आ रही थी इनके पास क्लियर कट एक ही सीट निकल के आ रही थी नॉर्थ वेस्ट आप चेक कर लीजिए इनके इंटरनल सर्वे को अगर गलत निकल जाए तो भी इन्होंने मेरा टिकट काटा वजह यह है कि 2 अप्रैल 2018 को जब दलित सड़कों पर आए
भारत बंद किया तो मैंने उनका समर्थन किया। एट्रोसिटीज एक्ट जब खत्म किया गया था रोस्टर पॉइंट, तो मेरी गलती यही थी कि मैं गूंगा बहरा नहीं था वहां पर। वहां गूंगा बहरा अगर कोई रहे तो उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं, बीजेपी आरएसएस प्राइम मिनिस्टर भी बना सकती। मैं उदाहरण के साथ 20 मई 2014 को माननीय रामनाथ कोविंद जी बायोडाटा लेकर के मेरे यहां आए, इसके चश्मदीद गवाह बीजेपी के एससी एसटी मोर्चा के एक विवेक सोनकर हैं, वो हैं, वो आकर के, मैं चैंबर में बैठा था, कहा कोविंद जी खड़े हैं, हम कहा लाइए भाई, मैं जानता था उनको। तो उन्होंने कहा भाई साहब मेरा भी कुछ कराइए। कोविंद जी को इस लायक भी नहीं समझा था 2014 में कि उनको टिकट देते जबकि वो टिकट चाह रहे थे। तो चुप रहने का इनाम देखा आपने राष्ट्रपति, और मैं चुप रहता तो हो सकता था मुझे प्राइम मिनिस्टर कभी न कभी बना देते। और दूसरी बात है कि एससी एसटी और हर मुद्दे पर उठाए, ये नहीं कि मैं आइडियोलॉजिकली कोई कंप्रोमाइज किया हूं। 10-15 बार पार्टी के स्टैंड के खिलाफ गया हूं। अब मैं इनका ये बताना चाहता हूं कि जिसको घूम करके पूरे देश में दलितों को प्रचार करने प्रचार करके वोट ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो दलितों को नौकरी देने वाला बनाएंगे। तो स्टैंड अप इंडिया में एक प्रावधान इन्होंने रखा कि हर बैंक से 1.25 लाख बैंक की ब्रांचेस इंडिया में हैं, एक दलित को लोन मिलेगा ताकि वो दलित लोगों को रिक्रूट कराए और जॉब दे, खुद आगे बढ़े, और एक महिला को। इंडियन एक्सप्रेस के सर्वे के हिसाब से केवल 6%, लेकिन अभी वही प्रचार कर रहे हैं कि हम तो रोजगार बनाने वाला बता दिया दलितों को। ये केवल 6% अर्थात यह पूरा प्रोपोगंडा और धोखा है। 2000 राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो एससी एसटी को मिलती थी हायर एजुकेशन का, उन्होंने ये खत्म कर दिया जो कांग्रेस सरकार की देन थी। शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन थी, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक तरह से दिया गया था, प्लान का दर्जा दिया गया था, प्लान का दर्जा हटा करके जनरल बजट कर दिया ताकि ये जो एससी एसटी के लिए पैसा दिया जाता है ये कहीं भी खर्च किया जाए, इनका उत्थान न किया जा हो सके। इसके अलावा 490 करोड़ का एक दलित हब इन्होंने 2016 में एस्टेब्लिश किया। बड़ा प्रचार किया कि दलित हमने हब बनाया 490 करोड़ का। अभी तक केवल पब्लिसिटी पर खर्च हुआ है 72 करोड़, बाकी सारा पैसा बचा हुआ है। ये इनके हालत है। मुद्रा बैंक में लोन किसको मिला? जो बिजनेसमैन थे उनके ड्राइवर श्रीकाश के थे, एम्प्लाई थे, हेल्पर थे, या खुद बिजनेसमैन देते, मुद्रा बैंक का फायदा नाम मात्र का दलितों का मिला। और 38 वाइस चांसलर इन्होंने अपने टेन्योर में इन्होंने अपॉइंट किए, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, 38। और कांग्रेस की दरिया दिली कि कांग्रेस ने यूजीसी का चेयरमैन भी बनाया था थोरात को। आज एक भी सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं, कांग्रेस के सरकार में कभी ऐसा नहीं था। और इसके अलावा इन्होंने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की दलितों से खरीदारी होगी, पॉलिसी 2012 की है, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाया था। 0.36% ही दलित से सामान और सर्विसेज खरीदा गया है, जबकि 4% होना चाहिए था। ये जो पूरा प्रचार कर रहे हैं ये केवल प्रचार है आंकड़े के साथ, अगर कोई चीज इसमें गलत निकल जाए
ये सवाल आप खड़ा करें कि भाई आपने दलितों को तो बर्बाद कर दिया, और इररिपेरेबल लॉस इसलिए हुआ कि 5 साल से भर्तियां बंद करके शेड्यूल कास्ट को खत्म कर दिया इस देश से। और यह नहीं कि मैं चुप रहा हूं, मैं संसद में भी उठाया हूं, कई बार उठाया हूं कि SC ST का पूरा रिक्रूटमेंट बंद हो गया है। ये मैं 10 बार उठाया हूं, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए। किसी भी एक मुद्दे के ऊपर मंत्रालय में भी मैंने चिट्ठियां लिखी, सब पर चिट्ठियां लिखी है। तो इसको पसंद नहीं आया। बीजेपी को दलित वोट तो चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए जो बोलने वाला होना चाहिए, इनको गूंगा और बहरा चाहिए। मैं ना गूंगा बहरा पहले था, और यहाँ आकर के भी दलितों की भी लड़ाई ही लड़ूंगा मैं। 70 साल के रिकॉर्ड में अगर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो तो मुझे बताइए कि मैं कभी भी दलितों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर समझौता किया था। यही भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमान औरतों में बराबरी की बात करती है, जब हिंदू महिलाओं में बराबरी की बात आती, कहते हैं कि परंपरा के हिसाब से चलना चाहिए। आपको हिंदू महिलाओं का ख्याल नहीं है? ये जो ध्रुवीकरण करते हैं आप, इसके ऊपर भी मैंने विरोध जताया था कि महिलाएं इम्प्योर कैसे हैं, बीजेपी महिलाओं को इम्प्योर समझती है और मातृशक्ति समझती है केवल। तो जब मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस होने के बावजूद एक ही सीट इनकी विनिंग हो रही थी, खैर उसका तो हम कोशिश करेंगे कि जमानत इनकी करीब करीब जब तो हो जाए वहां से भी। और देख लेना आप, और मैं माननीय राहुल गांधी जी से मिला, हमका मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रचार करूंगा आपके लिए, और मैं कैडर बिल्डर हूं, और पूरे देश में हमारे जो लोग हैं अब उन्हें आज़ादी होगी, मानसिक रूप से उनका तालमेल होगा। मैं 5 साल कैसे जिया हूं, मैं संसद में था तो केवल आवाज़ उठाने के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए नहीं था, वरना चुप रह जाता, मैं दूसरा कोबिंद जी बन जाता या दूसरा नेता बन जाता, बड़े आराम से हर चीज़ मिल जाती है वहाँ, बिल्कुल चुप रहिए। मैं चुप रहने वाला नहीं था, अच्छा ही किया शायद उन्होंने हमारे साथ, जिससे मेरा विचार मिलता है। और राहुल जी दो तीन बार हमने मुझे पार्लियामेंट में भी कहे कि आप गलत जगह पे हैं, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं ये भी बोला क्या क्या करूं, मैंने उनको रिफ्यूट नहीं किया था, आप पूछ सकते हैं इस बात का। तो ये मत कहिए, अगर कोई ये कह सकता कि मैं लालच से था, तो लालच से अगर रहता तो मैं चुप रहता, तो वही हमारे भले में था, चुप नहीं रहा, उसका अंजाम यह है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना दलितों से ये नफरत करते हैं, कितना नफरत करते हैं, ये मैं ही महसूस किया हूँ, मैं ही जान सकता हूँ। शायद दलितों को पता लग जाए तो समझदार दलित जिंदगी में एक भी वोट इस पार्टी को नहीं देगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी। वी विल टेक सम क्वेश्चंस नाउ, वी विल स्टार्ट विद अनिल जी। देखिए ऐसा है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो चीज़ तो कांग्रेस करती ही रही है। स्पेशल कंपोनेंट कांग्रेस लाई, स्पेशल ड्राइव टू फिल द वैकेंसीज कांग्रेस की देन है, और जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कांग्रेस की देन है, और राजीव गांधी स्कॉलरशिप कांग्रेस की देन है, UGC का चेयरमैन बनाया कांग्रेस की देन है। तो जो इस चीज़ के लिए मैं वहाँ लड़ता था वहाँ ये चीज़ मिलेगी, तो मुझे क्या दिक्कत है, तो वही तो मेरी आवाज है। सिद्धार्थ सिया, आज मुद्दा केवल मेरा दलित का है। आई विल नॉट मेक एनी कमेंट ऑन राफेल, इट विल बी डाइल्यूट। नो मिस्टर, नो
मेरा आज आज ही उमा शंकर जी क्यों आप ये बता दीजिए, जैसे बीजेपी में रह के दूसरे नेता कांग्रेस को उल्टा फुल्टा गाली देते हैं, विरोध करते, मैंने कभी किया? इसके मतलब मेरा साइलेंस सपोर्ट कांग्रेस के लिए, कोई गूगल करके तो देख ही सकता है, कभी नहीं किया है मैंने। इसलिए वहाँ अगर बीजेपी में था तो एक प्लेटफार्म के लिए था कि उस प्लेटफार्म है, वहाँ से आवाज़ मैं उठाता रहा। वो प्लेटफार्म ही जब नहीं रहा तो मैं वहाँ क्यों रहूँ? शुक्रिया। उमा शंकर जी, ये मैं खुलासे बीजेपी के सरकार में रहते हुए की किया हूं। देखिए, इसमें मेरी कोई हिपोक्रेट नहीं हूं, जो पार्टी है पार्टी के नियम और दस्तूर और कानून को मैंने माना, सब लगा रहे हैं, तो मुझे ये मैं डायबोलिकल करेक्टर नहीं है कि हमें जवाब। वन सेकेंड, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, यू नो, यू दिस, अदरवाइज वी कांट रन द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिस फैशन। सो ऐसे मत करिए ना साहब, ऐसे नहीं चल सकता। और मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर उदित राज जी ने दे दिया। अब एक बात भी और भी साफ हो गई कि ये चौकीदार भी जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी में वहां मित्रों को बनाया जा रहा है। यस सर, आज मैं ज्वाइन करने आया हूं, दलितों के साथ में बीजेपी क्या किया है, मैं केवल इसी विषय के पर इसके अलावा नहीं जाऊंगा, वो पार्टी के और नेता लोग बोलेंगे। थैंक यू सो मच। जस्ट वन सेकेंड, डोंट लेट आस्क अदर क्वेश्चन। आदरणीय मित्र, हेमंत करकरे जी की शहादत का और 26/11 के शहीदों का जो अपमान करेगा उसे जनता दंडित करेगी। धन्यवाद। एब्सोल्युटली सुनील जी, आई सर एब्सोल्युटली यस 100%। रणदीप जी, आपने पूछा ही नहीं।